आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी एक अवसर है और इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम पूरे देश के लिए उपलब्ध कराया है कि हम यह महोत्सव तो मनाएंगे लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। देश की आजादी के 75 वर्ष आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को अपने देश को कहां लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे और इस देश से 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। यहाँ पर स्कूली कार्य बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन मान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को चाहिए कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त करें। भारत के इन प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करें जो हमें उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान कर सके जो हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी उन संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके भारत को कमजोर कर रहा है। उन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के हम सबको मिलकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूरे भारतवासियों को जुड़ना होगा और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की कार्रवाई को सभी स्कूल, कॉलेजेज, संगठन, संस्थाएं और हर भारतवासी और हर उत्तर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्रीयता की एक नई लहर हर भारतवासी के अंदर पैदा करेगा और उन अमर बलिदानियों के सपने को साकार करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए दिया है।